बाबूशाही देख रहे हो तुसी डायमंड जुबली कॉन्फ्रेंस आ जिहड़ी इक मेंटल हेल्थ ते होण जा रही है ते इस कॉन्फ्रेंस दे विच कौन कौन आ रहा है ते मेंटल हेल्थ दे किहड़े किहड़े आस्पेक्ट्स ते चर्चा की जाऊगी की फायदे होणगे इस बारे असीं जानकारी लवांगे। साडे नाल प्रोफेसर देवाशीष बासू मौजूद ने जिहड़े साइकैट्री डिपार्टमेंट दे HOD ने वो इस बारे दसणगे। डॉक्टर साहब की इहदा ऑब्जेक्टिव है जी डायमंड जुबली कॉन्फ्रेंस होनी है तो की कुछ रहने वाला है? ये जो डायमंड जुबली कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कल से 3 दिन के लिए, इसमें हमने सोचा कि हमने साइकेट्री में मरीजों का इलाज तो बहुत कर लिया और करते भी रहेंगे, लेकिन क्या हम कुछ और उससे आगे बढ़कर कर सकते हैं? ये मुद्दा था कि भाई साइकेट्री को, मानसिक बीमारी को, जो लोग उसके साथ एक धब्बा जुड़ा हुआ है जिसको अंग्रेज़ी में स्टिग्मा कहते हैं, छप्पा एक होता है कि भाई वो मरीज़ जो है वो ठीक नहीं है जी, वो कोई कई लोग बहुत कुछ समझते हैं, तो इससे आगे बढ़कर क्या हम पब्लिक के पास ये संदेशा दे सके कि भाई मानसिक बीमारी भी एक बाकी जैसे चीज़ें हैं, बीमारियों जैसी हैं, और इसका प्रतिरोध भी किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है, और हम मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को आगे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जो मैं सबको कह रहा हूँ कि ये चार दीवारी तोड़ने की बात है। मेंटल इलनेस 100-200 साल थे, ये हमेशा चार दीवारी के अंदर ही पड़े रहे, तो अब ये टाइम हम सोच रहे हैं कि आ गया कि इसको चार दीवारी तोड़ के जनता से, तभी इसका जो थीम है पब्लिक मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल बाय द पीपल, जनता ने करना है, एंड फॉर द पीपल, जनता के लिए है। तो ये मेन आइडिया है, और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत सारे देशों से बहुत जाने माने लोग, जिनमें से वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन, विश्व जो संस्था है उनके जो प्रमुख है, प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर अफजल जावेद साहब, वो आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट, और भी बहुत सारे कई लोग आ रहे हैं, या हाइब्रिड आजकल ज़माना है तो लोग जूम पे जोड़ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का बड़ा नाम है, वहाँ के दो प्रोफेसर्स हमें एड्रेस करेंगे वगैरह वगैरह, कनाडा से, UK से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो और हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम चर्चा में यही करेंगे कि सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं, उससे आगे बढ़कर बात करें कि कैसे बीमारी को रोकथाम किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, और अच्छी मानसिक हेल्थ को प्रमोट किया जाए। PGI की गल करिए, जो थोड़ा डिपार्टमेंट है जी, वो वालों की एडवांसमेंट जी है वो हो चुकी है, की अचीवमेंट्स ने थोड़िया टाइम के नाल नाल, क्योंकि मेंटल हेल्थ तो बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न हैगा, तो तुम की कुछ करते जा रहे हो लगातार? देखिए PGI का, जैसे आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि भाई 60 साल तो बहुत कम समय नहीं है, काफ़ी समय है। जब ये शुरू हुआ था, जब प्रोफेसर NN विक साहब, नरेंद्र नाथ विक साहब ने जब ज्वाइन किया, उस समय तो साइकेट्री नाम की चीज़ ही नहीं थी, उन्होंने मेडिसिन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, ये था, क्योंकि साइकेट्री ऐसे सब्जेक्ट था जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि भाई है क्या चीज़, पागल पागल कहते थे। तो वहाँ से लेके हम आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहली जो बात है, 2-3 इम्पॉर्टेंट हिस्सा में PGI का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा जो योगदान है वो है कि कम्युनिटी लेवल पे, जो जिसकी बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कम्युनिटी लेवल पे मेंटल हेल्थ को ले जाना, इसकी शुरुआत PGI चंडीगढ़ से 1970s में हुई थी डॉक्टर NN विक के अंडर लीडरशिप में, और वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संस्था जो है WHO उसके प्रोजेक्ट को लेके, उसके बाद वो पूरे देश में, आज जो देश में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है पिछले 20 साल से, उसकी उत्पत्ति जो है, शुरुआत वो यहाँ से, नंबर वन। नंबर टू जो है साइंटिफिक चर्चा, वैज्ञानिक जो चर्चा है, उसमें PGI के हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों, 3,000 पेपर्स हैं जो PGI के, उसके बारे में रिसर्च के ऊपर। अब मैं उसके बारे में बात करना शुरू करूँगा तो फिर तो दिन कबार हो जाएगा, बट बहुत सारे एरिया के बारे में रिसर्च का काम हो गया, ये नंबर टू एरिया है। और नंबर थ्री जो बहुत अहम मुद्दा है PGI ने जो दिया है, वो है टीचिंग। PGI को कंसिडर किया जाता है सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी, कि एक टीचिंग सेंटर है जो कि अच्छे डॉक्टर बनाते हैं, और जो बाद में जाके पूरे देश में या देश के बाहर फैल के वो सारे लीडर इन टीचिंग, लीडरशिप रोल इन टीचिंग करते हैं। तो एक हो गया टीचिंग ट्रेनिंग, एक हो गया रिसर्च, और एक हो गया कम्युनिटी लेवल सर्विस। मैं ये 3 शब्द बातों में सीमित रहूँगा, है तो और भी है, लेकिन 60 साल में ये 3 चीज़ों के बारे में PGI ने खास करके काम किया है।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇ ਜਿਸ ਜਿਸਮੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਮੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਉਨਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 150 ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕਾ ਮੇਨ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਪੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ कोऑर्डिनेट करना वही बात वही है कि टीचिंग ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करना एक वर्कफोर्स बनाना कई एथिकल चीज़ों के बारे में बात करना ताकि ह्यूमन राइट्स जो हैं एक ज़माने में सालों साल सदियों से इन मरीज़ों के ऊपर बहुत अन्याय हुआ है बहुत ज़्यादती हुई है सेंगल से बांध के रखना मार पिटाई करना ये करना वो करना बड़ा कुछ तो उससे कैसे दूर किया जाए कैसे ठीक से ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं इसके बारे में भी WPA जो है ये काफ़ी काम करते हैं और ये इकट्ठे मिल के जैसे हम लोग ये कल चंडीगढ़ चार्टर जो हम निकालेंगे रिलीज़ करेंगे चंडीगढ़ चार्टर उसका नाम दिया गया है चंडीगढ़ चार्टर ऑन पब्लिक मेंटल हेल्थ वो फिर पूरी दुनिया में WPA के द्वारा वो पूरी दुनिया में उनको फैला जाएगा उसमें चंडीगढ़ का नाम रहेगा बिकॉज इट बी चंडीगढ़ चार्टर PGI का नहीं चंडीगढ़ का ठीक है ना जी हम चाहते हैं कि भाई हमारा तो उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि भाई सरकार सिर्फ हमारी सरकार नहीं और भी देशों की सरकार को बताने के लिए पुश करने के लिए कि भाई आप इसमें हिस्सादार बनिए क्योंकि इसमें सरकार के बिना ये काम नहीं होगा सरकार भी चाहिए मीडिया भी चाहिए हर एक समाज के अंश चाहिए बट ये सब हमारा काम है और इसमें WPA के साथ हम जुड़े हुए हैं क्योंकि हम WPA का कोलैबोरेटिंग सेंटर है लास्ट क्वेश्चन जी तुसीं कोई स्टडी हुई होनी है PGI दी मेंटल हेल्थ दी आपां गल करिए किन्ने के लोग जिहड़े ने सफ़र कर रहे ने इस चीज़ दे नाल कोई इंडिया दा आंकड़ा होवे जां जो भी साडे नाल सांझा कर सको देखिए ये तो कई बार कई सारे ऐसे स्टडीज़ हो चुके हैं बहुत सारे लेकिन जो सबसे जो जाने माने जो माने जाते हैं वो 2016 की स्टडी हैं जो पूरे इंडिया में पूरे देश में स्टडी हुई थी और उस स्टडी का नाम है नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ठीक है NMHS ये निमहांस बेंगलोर से कोऑर्डिनेट किया गया था और इसमें हर एक स्टेट से डेटा लिए गए थे बहुत ही प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे हुआ था उसी का मैं आंकड़ा मैं बता रहा था कि भाई उसके हिसाब से जो है कम से कम हर 7 जने में एक जना यानी कि 14% जो है उनको लाइफ टाइम कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस हुआ होगा और आज के दिन में अगर करंट देखोगे तब भी 10-11 जनों में एक का कुछ ना कुछ हुआ है तो ये इतना कॉमन है लेकिन उस हिसाब से इतना इलाज उपलब्ध नहीं है वो उसको कहते हैं ट्रीटमेंट गैप यानी कि कितनी ज़रूरत है और कितनी उपलब्ध है उसको गैप जो है वो ट्रीटमेंट गैप बहुत भारी गैप है वो और वो गैप सिर्फ ये 4 दीवारी वाला इलाज से संभव नहीं है तभी हमें पब्लिक मेंटल हेल्थ अप्रोच लेना पड़ेगा जिसके ऊपर हम ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बहुत शुक्रिया सो असी गलबात की है जी स्पैशल कॉन्फ्रेंस हो जा रही है मेंटल हेल्थ से उद्देश की होगा तो किस तरीके फायदा होगा उन्होंने जेडे मेंटल हेल्थ के नाल पीड़ित ने तो उम्मीद करते हैं भी क्योंकि इंटरनेशनल पद्धर से बड़े जड़े जड़िया प्रोमीनेंट परसनैलिटीज़ ने बड़े नामी डॉक्टर ने वो इतने पहुँच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस शामिल होने के लिए तो ये जे आउटकम ने बड़े वधिया जड़े ने आने चंडीगढ़ तो कैमरामैन आकाशदीप हर्षबाब सिंह सिद्धू बाबू शाही टाइम्स।